हेलो यू ऑल माई लवली बर्डीज एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज़ फुल्ली डेडिकेटेड फॉर यू आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर पूजा शर्मा और मैं ले आई हूँ आज एक और पोअम विच इज़ वेरी लवली एंड क्लोज टू आर हार्ट बिकॉज इट्स लाइक ह्यूमरस ओके आपको चले ले चलते हैं एक जू की तरफ या हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ पर आप इनकाउंटर करोगे आप फेस करोगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स अब बचपन में जब हमें एनिमल्स को लेकर के सिखाया जाता

तो पोएट हैं उनका तरीका ही अलग है वो टोटली डिफरेंट वे में हमें एजुकेट करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दे रहे हैं जैसे हमें हंसी आ जाएगी और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसे एनिमल्स से इस तरीके से मीटिंग करें सो हर दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर एंड द ऑथर इज़ कैरलिन विल्स कौन है कैरलिन विल्स जो है वो ऑथर है एंड याप कैरलिन विल्स जो है वो ऑथर है कैरलिन विल्स शी वाज बोर्न इन 18 जून 1868 सॉरी एंड वेयर इन यूएस एंड शी डाइड ऑन 26 मार्च 1942 इन न्यूयॉर्क कितने क्यूट से है ना कितने क्यूट से है आई वॉज नॉट अवेयर की उनकी स्टोरी क्या है ओके okay, जब मैंने पहली दफे पढ़ी थी तो मुझे नहीं पता था ये पोएट किस तरीके से आ, क्या बताना चाहते हैं आई जस्ट थॉट अबाउट दी ने हाउ टू मैं हमेशा कहती हूँ देर इज समथिंग इन माई स्टूडियो आई ऑलवेज से लाइक पहले कुछ आवाज़ें ववाजें आ रही थी कभी मेरे इस पैनल को कुछ हो जाता है या कभी लाइक like, कुछ ना कुछ घिरने पड़ना कुछ ऐसा होता रहता है आई डोंब्बा थोड़ा सा ध्यान रख लेना मेरा <laughs> बच्चों के लिए बचा लेना मुझे ओके सो देर इट इज कैरलिन विल्स एंड कैलिन विल्स जो है उनके बारे में हमने जान लिया दैट शी वॉज बॉर्न इन यू एस एंड शी डाइड इन न्यूयॉर्क एंड देन वी कैन नो अमेरिकन राइटर एंड शी इज रिमेंबर्ड लार्जली फॉर हर वर्क एंड चिल्ड्र्यूमरस वर्ड्स एंड दिस इज वन ऑफ द्यूमरस वर्ड्स शी है तो ये किसके लिए जानी जाती है कुछ रहस्यमय चीजें लिखती थी ये या बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारा अपना वर्क प्रेजेंट uh, किया है और ह्यूमरस वर्ड्स मतलब उपहासजनक जहाँ पे हंसी आ जाए आपको पढ़ने के बाद में आपका मूड लाइट हो जाए ऐसी इन्होंने लिखी है एंड फ्रॉम दैट एक ह्यूमरस वर्ड जो है हम पढ़ेंगे यहां पे। बिफोर दैट आई लेट यू ह्योर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू हैव

बिकॉज ये बहुत सारे अलग अलग फीचर्स बताती है वाइल्ड एनिमल्स के वाइल्ड एनिमल्स कैसे होते हैं एंड हाउ दे लुक एंडिफाईल्ड एनिमल्स इन दिसम यून इट आउटन टू आइडेंटिफाई कुछ कुछ क्लूज दिए कि अगर आपको कोई आपके ऊपर कोई झपट्टा मार दे आप मर जाओ तो आप पता आपको पता चल जाएगा कि ये वो जानवर था हे मतलब मर जाएंगे फिर क्या पता करना कौन सा भी जानवर था बट इन्होंने you know, ऐसे कुछ ह्यूमरस क्लूज दिए हैं एंडम कंजिस्ट ऑफ सिक्स टाइम स्टैंडा कितने एनिमल्स को जानोगे आप सिक्स एनिमल्स यू विल फाइंड इट आउट और हर एक स्टैंडा में एक वाइल्ड एनिमल को बताया गया डिफाइन किया गया बाइट इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ आई होप दैट यू ऑल आर रेडी फॉर द फर्स्ट स्टैंडा एंड इफ यू आर रेडी देन डू लाइक दिस एंड डेफिनेटली शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड ईच एवरी ग्रुप यू आर इन राइट बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत मजा आने वाला है एंड दिस टाइप ऑफ गिफ्ट यू आर गोइंग टू हैव सो दैट First paragraph of this uh, poem, I can say the stanza in this poem is: If you ever, uh, sorry, if ever you should go by chance to jungles in the east, okay, and if there should to you advance, won't it come here? Huh? So I'll go there okay so if ever you should go by chance to jungles in the east and if there should to you advance a large and towny beast if he roars at you as you are dying you will know it's the asian lion you got it what it says इट्स दैट कि अगर आपको कभी चांस मिलता है और आप जाते हैं कहाँ ईस्ट साइड के जंगल्स में तो वहां पर अगर आप और आगे आगे एडवांस करना मतलब आप और आगे आगे इन डीट में उस जंगल में बढ़ते रहेंगे तो वहां पे आप एक लार्ज और टाउनी बीस्ट मिलेगा कैसा बीस्ट मिलेगा एक लार्ज और टाउनी बीस्ट मिलेगा ओके एंड आफ्टर दैट क्या कहा गया कि ये जो लार्ज और टाउनी बीस्ट है ये आ, रोर करेगा जब तक रोर करेगा आपको ऐसा लगेगा कि मैं मरने वाला हूं क्या लगेगा कि अरे मेरी तो डेथ ही होने वाली है वैसा वाला फीलिंग आएगा ओके देन इफ ही रोज एट यू एज यू आर डाइंग भी तुम मरने ही वाले यू यूल नो इट इज द एशियन लाइन और आपको क्या पता चलेगा कि ये कौन है एशियन लाइन है नाउ देर इज वन वर्ल्ड लार्ज एंड टाउनी बीस्ट इज कॉल्ड एज फॉर एनिमल आपने एक मूवी भी देखी होगी

क्लियरली ऑन अ येलो ग्राउंड येलो ग्राउंड मतलब उनका स्किन का कलर क्या है उनका स्किन का कलर इज येलो और उसके ऊपर क्या है ब्लैक स्ट्राइब्स है जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू जस्ट ध्यान देना अगर वो तुम्हें खा जाए ट इज दिस लाइक अगर वो तुम्हें खा जाए तो सिंपली दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न इससे तुम ये सीखने को मिलेगा दैट दिस इज द बंगाल टाइगर टू डिसन की ये कौन है दिस इज द बंगाल टाइगर ये जनाब है बंगाल के टाइगर सो आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग द मीनिंग्स वेरी लाइक ऑफन यू सी दैट दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन हम भी देखते हैं ना कि कभी कोई बोल देते हैं ऐसे इंट्रोडक्शन दे देते हैं बंगाल टाइगर टू डिसन डिसन मतलब क्या होता है जो डिफिकल्टी के साथ में दिखाई देता है ना डिफिकल्टी के साथ में आपको कोई चीज दिखाई देती है उसको कहा जाता है आ, कहा जाता, टाइगर तो हम उनको इंट्रोडक्शन देते हैं ये ये जैसे कोई काम नहीं होता है या जैसे हम घर वाले जो होते हैं वो आ, मैं तो मेरे भाइयों का ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं देती हूँ ये वो जो दिन भर सोता रहता है ये जिसका फोन कभी भी उसके हाथ से दूर नहीं जाता है सो दिस इज द फनी वे वी इंट्रोड्यूस एंड इन द सेम मैनर पोएट

then you will find a new beast an animal whose head hide with spots and peppered as soon as he has leapt on you you will know it's the leopard it will do no good to roar with pain he will only leap and leap again

पर है इट विल इट इज कॉल्ड एज इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन मतलब आप फिर चाहे रो रहे हो चिल्ला रहे हो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिकॉज़ ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लेप दैट ही इज गोइंग टू लेप एंड लेप अगेन देखो इसे लेप भी कहा जाता है और इसे हम लाइफ भी कहते हैं कुछ-कुछ लोग ओके बट लेप एंड लेप इज एक्चुअली टर्म इडियम हम कह सकते हैं इट मींस टू

Idiom है ये, मतलब बार बार कोई काम को करना रिपीट करना गुजर रहे हैं सो वॉकिंग योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर बियोर आप वहां पर देखेंगे very, very, very hard, sure bear, कि जो आपको बहुत प्यार से हक करेगा बहुत हार्डली हक करेगा और ध्यान रखना अगर वो आपको हक करता है तो

Next one.

to get confused the, a novice might uh, non plus means anyone uh, sakta hai confused the crocodile you always may tell from the heena does. Hina's come with merry smiles but if they weep they are crocodiles um I don't know how they have created a uh,

बर्ड ने स्नेक को खाया तो स्नेक क्या हुआ उस बर्ड का प्रे हुआ ओके अ नोविस माइट प्लस एक एक नेव ने जो नया नया है जिसने कभी भी एनिमल्स uh, को नहीं देखा है दे माइट गेट द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हीना दस वो क्रोकोडाइल को देख के क्या कहेंगे ये तो हीना है तो हाइना है uh, ना सो दे से दैट द क्रोकोडाइल को आप देख के कह सकते हो ये तो हाइना है हाइना कम्स विद मेरी स्माइल अब आपको डिफ्रेंशिएट करने का बताया है कि जिस हाइना दिस इज द हाइना कि हाइना है वो तो हंसते हंसते आएगी और अगर ये हाइना रोने लग जाए

इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री अगर आपको ट्री पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अगर आपको ट्री पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यू uh, see सी That दैट मीन्स की वहां पे कैमलियन ट्री के कलर में अपने आप को छुपाए हुए हैं सो इन दैट वेज बताए कैमेलियन्स क्या करते हैं जहां जिस भी कलर um, के उसके ऊपर सर्फेस पे होंगे वो उससे कलर ऑब्जॉर्ब करके अपना कलर चेंज कर लेते हैं एंड इट्स रटन बाय Carolyn Wells. It is written by Carolyn Wells. And I love this. I love, really love this because always we read some educative and informative. Um, पोम्स बट नॉट इन नॉट इन दिस वे सो जो अलग चीज़ें होती हैं लाइफ में इंटरेस्टिंग वे से प्रेजेंट की जाती है वो हमें डेफिनेटली अच्छी लगती है एंड दिस इज द्लॉसरी पार्ट योर सो चाउनी ब्राउनिश येलो आई टोल्ड यू डाइंग डाइंग मतलब मरना उससे तो उसको रि रिप्रेजेंट इस वर्ड से किया गया था डिसन मीन्स मेकआउट और आइडेंटिफाई करना स्ट्रॉलिंग मीन्स वेंडरिंग मैंने स्ट्रॉलिंग का शायद देखिए स्ट्रॉलर का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है मेनी टाइम्स हाइड करना एनिमल स्किन फेपर्ड कवर्ड विथ स्पॉट्स Touch, जिसे, uh, भी कहा जाता है. भी जाते हैं स्ट्रोकिंग लाइक फॉन्डल स्ट्रोक डिस्टिंगफाई करना नोवेज अगिनर सम वन न्यू टू जॉब ऐसा कोई भी जो नया नया है उसे जैसे तुम लोग गुनी करते हो क्या खेलते हो भाई तुम uh, पब्जी वब्जी खेलते तो बोलते ना अरे यार ये तो नोवेस है लाइक दैट नॉन प्लस मीन्स कंफ्यूजन सरप्राइज सो दीज आर देरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आई हैव ब्रॉट यूर विद मीनिंग सो दैट आप अपने एग्जाम में ऐसे आंसर्स क्रिएट कर सके नाउ आई होप दैट यू ऑल आर रेडी विद रैपिड फायर नउट एक बार एनर्जी के साथ में कमेंट सेक्शन में बता दो येस मैम दिस वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एज वेल एज ह्यूमरस पर्म एंड वी आर लविंग इट सो वी आर रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन तो मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लाई हूँ आई होप दैट यू नो दस very well and be ready for that but before i take you to the questions do share this because it means a lot this is the way only uh, i get my uh, fruit ऑफ माई एफर्ट्स आई कैन से मुझे इसी तरीके से आपका प्यार मिलता है और पता चलता है कि जितना मैंने यहाँ पे शुद्दत से काम किया है मैंने जो एफर्ट्स लगाए हैं उसका फल यह है कि मेरे व्यूज अच्छे हैं या लाइक्स भी अच्छे हैं और कितने बच्चों ने कमेंट्स करके बताया है सो दिस ऑल मैटर्स अलॉट फॉर आस एक्चुअली एंड फॉर मीड एज वेल सो हर इज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट आर यू ऑल रेडी

Always read that thoroughly. Option one is the poet asks the reader to hide on seeing the leopard. Option में ये कहते हैं कि भाई तुम leopard को uh, sorry option first says कि जो poet है वो poem में बताते हैं कि आप leopard को देखो तो छुप जाओ. The poet cautions.

ंगाल बंगाल से कौन है भाई बंगाल से ऑल दी लवर्स दोज हु हैव सम कनेक्शन विद बंगाल यहां पे बता दो मुझे दिस इज द आंसर लाइक लैन बी टाइगर सी है ना और डी क्रोकोडाइल सो लैन बंगाल टाइगर विच वन यू नो वेरी वेल वेरी इजी क्वेश्चन सो आंसर मी हियर Then the third one is why can't you spot a chameleon on a tree or on the ground? क्यों भाई क्यों हम एक chameleon को गिरगिट को spot ही नहीं कर पाते हैं Because it runs away quickly क्योंकि वो बहुत जल्दी से इधर उधर भाग जाता है या because it hides वो छुप जाता है because it can change color very easy it is again and because it is shy but sharmila hai na ji sharmila no, nahi hai aaj ke look camelin is like a uh, से कि आज के जो लोग होते हैं वो शर्मीले नहीं होते हैं वो पहले होते थे शर्मीले लोग है ना शर्म आ जाती थी चुप हो जाते थे आज के लोग कलर चेंज करते हैं वैसा एंड दे हर डिटेल्ड आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन बिकॉज थ्रू माई रिसर्च आई फाउंड आउट दैट दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन हेल्प यू टू राइट मेनी आंसर्स बहुत सारे आंसर्स लिखने में ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हाउ डू यू लर्न अबाउट द लेपर्ड फ्रॉम दिस पो लाइन जो है तो आप इस लेपर्ड को लाइन का आंसर लिखेंगे इन कमेंट सेक्शन

पहले तो आपने स्किन के बारे में बताना है सबकी स्किन के बारे में बताया था सेकंड हाउ दे लाइक एक्ट जैसे बियर है तो वो हक करेगा लेपर्ड है तो वो अटैक करेगा है ना और uh, अगर लायन है तो वो रोर करेगा दिस थिंग एंड देन वी कैन टॉक अबाउट देम लाइक कि टेरिफाइंग है या किस तरीके की उनकी एनर्जीज है सो वी कैन क्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर घर वालों को मानना ही पड़ता है तो ये जो मगरमच के आंसू वाली कहावत है यहां देखो कहीं पे भी आपसे पोम से रिलेट करते हुए उनकी सामरी से क्वेश्चन नहीं पूछा है यहाँ पे आपका परसेप्शन आपके मतलब क्वेश्चन के आंसर आंसर्स मतलब इंटेलेक्चुअलिटी के साथ में पूछा गया है सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक हॉट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन हॉट्स क्वेश्चंस होते हैं ये तो यहाँ पे आपको याद रखना है कैसे आपको अपना आंसर खुद को बनाना है एंड टू मेक योर आंसर्स यू हैव टू डू अलॉट ऑफ प्रैक्टिस द फेमस सेंग एसोसिएटेड विद क्रोकोडाइल इज दैट ऑफ शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब क्या होता है मगर के आंसू रोना इट एक्चुअली मीन्स इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है मीन्स टीयर्स और एक्सप्रेशन ऑफ सोरो दैट आर इनसिंसियर जो इनसिंसियर

शिकार के लिए निकलते हैं तो शिकार के लिए निकलते हैं तब भी वो बहुत रोते रहते हैं ऐसा करके भी उनकी कहावत से रिलेटेड ये बात बताई गई है सो दिस इज ऑल वी हैव डन इन दिस पोम एंड आई होप दैट यू हैव लाइक दिट यू हैव इंजॉयड दिस सेशन एज वेल बिकॉज आई लव टू टीच यू आई रियली लव मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ एक दो के तो नाम ही इतने फंटास्टिक थे मैं ना हंसी आ रही थी मुझे वो उनके नाम पढ़ते पढ़ते मैं मतलब नाम भी नहीं ले सकती अभी उन ऐसे ऐसे नाम थे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बस या आई लव यू ऑल आई रियली

क्टिस राइट सो वो सब चीजें भी हम डेफिनेटली धीरे धीरे करेंगे बट राइट नाउ यू कैन फोकस ऑन योर एग्जाम्स बिकॉज एग्जाम्स में आप लोगों का जो आंसर मेकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सो इट गो लाइक बाय हैंड एंड हैंड इसलिए मैं आपको अभी ये कहूंगी कि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करें एंड डू लॉट ऑफ ऑफ प्रैक्टिस राइटिंग बिकॉज आप आप ही मान जाओगे आज तो एट द एंड जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप जरूर कहोगे मैम आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस इतनी बार बोला था हमने प्रैक्टिस कर ही डाली और आज देखो एग्जाम में हमने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा और कोई भी एग्जाम का जो हमारा आंसर है वो ऐसा नहीं है कि बड़ा लिखना था छोटा लिखिया है या नंबर कम मिलेंगे ऐसा नहीं होगा सो ऑन दिस नोट आई एम जस्ट सिंपली बाय एंड थैंक यू